पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ईपीसीएच के तत्वावधान में पूरे देश में निर्यातकों ने अपने जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी के माध्यम से रोड टैप की कम दरों के विरोध में ज्ञापन दिवस मनाया। मुरादाबाद में आज ईपीसीएच मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल को संबोधित अपना एक ज्ञापन सांसद महोदय को सौंपा। सभी निर्यातक ईपीसीएच के दिल्ली रोड स्थित ऑफिस में इकट्ठा हुए और वहां पर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को अपना ज्ञापन सौंपा और उनसे इस विषय से सहायता का अनुरोध किया। सांसद महोदय ने उपस्थित निर्यातकों को आश्वस्त किया कि वो उनकी मांगों को संसद में उठाएंगे। इस दौरान एमएचए के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, महासचिव अवधेश अग्रवाल, कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम, ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन कमल सोनी, सीओए ईपीसीएच नबील अहमद, ईपीसीएच सेंट्रल रीजन के कोऑर्डिनेटर अवधेश अग्रवाल, सीओए ईपीसीएच और यस के नेशनल चेयरमैन नीरज खन्ना, नेशनल सेक्रेटरी जेपी सिंह, महासचिव रोहित ढल के साथ और भी निर्यातक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। निर्यातकों के संगठनों ने एकजुट होकर निर्यात में आ रही समस्याओं से भी अवगत कराया और वित्त मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि रोड टैप और एमईआईएस को लेकर आ रही परेशानियों से निजात दिलाई जाए। इस दौरान पलायन करने वाले कारीगरों की स्थिति से भी सांसद महोदय को अवगत कराया गया। इस वक्त निर्यातक बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये वो निर्यातक हैं जिन्होंने हमारे शहर का और हमारे देश का नाम तमाम दुनिया में रोशन करा है। आज कारोबार कम से कम होता जा रहा है, इनको जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वो कम हो गई हैं। एमईएस स्कीम आती थी उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह रोड टैप स्कीम लाए, लेकिन उसमें ना के बराबर इंसेंटिव दिया जा रहा है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि यहाँ का एक्सपोर्ट बूस्ट करें, उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि वो दुनिया के बाज़ार में अपना माल अच्छी कीमतों में बेच सकें और देश को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह की योजनाएँ तैयार की जाती है, क्या बिल्कुल निजामों का ध्यान नहीं रखा गया या इनकी प्लानिंग में कहीं नहीं? देखिए, ये तो यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ का एक्सपोर्ट 16-17 हज़ार करोड़ का था जो आज आके 7-8 हज़ार करोड़ पर रुक गया है। आर्टिजन्स परेशान हैं, रिक्शा चलाने को मजबूर हैं, बहुत गुर्बत आ गई है। तो कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं रखती हैं, सब बड़े लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, इंडस्ट्रीज के उन लोगों का ख्याल रखा जा रहा है। 2-4 लोग हैं, आपको मालूम है, नाम पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सारे काम किसके फेवर के होते हैं। लेकिन जब तक हम सब लोग अपनी समस्याओं को लेकर एक साथ नहीं खड़े होंगे, इस सरकार के काम पे जू नहीं देंगे। एक ज्ञापन दिया है जो वित्त मंत्री जी को जाएगा, हमें आशा है वित्त मंत्री जी अपना नोट लगा करके उसको भेजेंगे और हमारी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आज बड़े दुख की बात है कि एक ऐसा वर्ग सड़क पर आया है जो देश की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है। निर्यातक और आपका आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्टर, इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति, एक्सपोर्ट देश की रीढ़ की हड्डी है। आज हम इस मुकाम पर गुजरे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि जो हमारे आर्टिजन हमारे को धातु कला के द्वारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और पूरे विश्व में अपनी कला के द्वारा हमें व्यापार मिलता था और हम जो हमारे आर्टिजन हमारा सैंपल बनाते थे और पूरी दुनिया उस की कलाकारी से आकर्षित होकर के हमें व्यापार मिलता था। आज हमारे आर्टिजन और आर्टिजन के सहयोगियों को जो बिहार और दूसरे स्टेट से और देहात और आसपास के शहरों से जो मुरादाबाद के अंदर काम मिलता था, वो काम वो बेरोज़गारी के कगार पर पहुंच गया है। हमारी एक्सपोर्ट की यूनिटें बंद होने के कगार पे है। हालात ये है कि हमारा आर्टिजन बांग्लादेश, नेपाल और जो है कुछ कलकत्ता, बिहार और मद्रास में पलायन कर चुका है। बड़ी मजबूरियां हैं, एक्सपोर्ट यूनिट बंद होने के कगार पे हैं। सरकार की गलत नीतियों के खातिर हमारी एक फोकस की स्कीम हुआ करती थी जिसके अंतर्गत हमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता था। आज 8 महीने के इंतजार के बाद
जो भारत सरकार ने रेट डिक्लेयर किए हैं वो 0.30 हैं, जो हमारे 5% भी नहीं है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।